हरियाणा में कांग्रेस सरकार के राज में मंत्री रहे निर्मल सिंह पर यूपी में गोवंश की हत्या का मामला दर्ज हुआ है। इस मामले पर अब सियासत भी शुरू हो गई है। मामले में आज अंबाला शहर के विधायक असीम गोयल ने पूर्व मंत्री निर्मल सिंह पर जमकर हल्ला बोला। विधायक ने कहा कि ये निर्मल सिंह का असली चेहरा है जो समाज के सामने आया है और इनका तो इतिहास भी ऐसा ही रहा है। विधायक ने कहा कि हमारा समाज गाय को जानवर नहीं माता कहता है और ऐसे गोवंश के हत्यारे समाज में मान्य नहीं है। विधायक ने कहा कि इस मामले में जो भी कार्रवाई बनती है वह होनी चाहिए। गोवंश की हत्या का मामला दर्ज हुआ है, किस तरह देखते हैं क्या? देखिए, समाज उनको पहले जिस प्रकार से उन्होंने जो उनकी इतिहास रहा है उस नाते उनकी एक भूमिका को जानता है, और जो दूसरा पक्ष है, हम गौ माता को कभी भी हमने जानवर की श्रेणी में रखा, माता कहते हैं, क्योंकि चाहे गौमूत्र हो, गौ अपशिष्ट हो, दूध हो, दही हो, घी हो, गौ माता के शरीर का एक एक जो अवयव है वो इंसान का अपने बच्चों की भांति रोम रोम जो है पालन करता है, और उस नाते हम गौ को माता कहते हैं। इस भारत के अंदर गौ को माता मानने वाले इस देश के अंदर जो गौ वंश के हत्यारे हैं, गौ वंश के ऊपर हमला करने वाले लोग हैं, उस समाज में कहीं भी मान्य नहीं है। और उनका इतिहास रहा है पहले इंसानों के साथ और अब तो गौ वंश गौ माता के साथ इस प्रकार के उन्होंने अपराध किए हैं, समाज उनको माफ़ नहीं करेगा। उनका चेहरा समाज के सामने आया है और आज वो स्पष्टीकरण देते घूम रहे हैं। स्पष्टीकरण से समाज कभी भी इस बात को लेके जो उनका इतिहास रहा है उनको माफ़ नहीं करेगा, और मेरा क्लियर मानना है कि इसके अंदर जो भी बनती कार्रवाई है वो होनी चाहिए। ताज़ा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना ना भूलें।